दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये विरोध केंद्र द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2021 को लेकर है। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ तमाम मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद और सभी कार्यकर्ता भाग लेंगे। सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो लोकसभा में एक नया विधेयक लाकर उनकी चुनी हुई सरकार की शक्तियों को बहुत कम करना चाहती है। तो आज आम आदमी पार्टी की ओर से जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अगर विरोध प्रदर्शन की बात करें तो ये केंद्र द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2021 को लेकर है। इसमें आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस विरोध प्रदर्शन के दौरान वहां पर मौजूद होंगे और उनके अलावा तमाम सांसद, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर पर मौजूद रहेंगे। इस दौरान सीएम केजरीवाल की ओर से केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि वो लोकसभा में नया विधेयक लाकर उनकी चुनी हुई सरकार की शक्तियों को बहुत कम करना चाहती है। संवाददाता राकेश सोनी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, आम आदमी पार्टी की ओर से जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, आरोप भी इस दौरान सीएम केजरीवाल की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए गए हैं। क्या कुछ चीजें आज इस विरोध प्रदर्शन के दौरान देखने को मिल सकती है राकेश? देखिए सानी, कोई नई बात नहीं है कि आम आदमी पार्टी का धरना होगा, लेकिन ये धरना 2021 की साल की शुरुआत होते ही, जिस तरीके से, क्योंकि मार्च का महीना चला है और ये धरना बेहद अहम इसलिए है क्योंकि जो बिल संशोधन बिल पास हुआ है एनसीटी एक्ट, उसके तहत ये विरोध प्रदर्शन जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा आज किया जा रहा है और खुद इसकी जो अगुवाई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे, उनके साथ साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और तमाम आम आदमी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता, ये सभी लोग जंतर मंतर पर होंगे। और अभी से देखा जाए तो धीरे धीरे जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है, क्योंकि दोपहर तकरीबन 12:30 बजे के करीब जो है ये प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा, क्योंकि सड़क से लेकर संसद तक का ये जो नारा है वो दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और इसको लेकर, क्योंकि आपको बता दूं कि 3 दिन पहले जिस तरीके से जो पूरा बिल है लोकसभा में जब पारित किया गया था, तभी से लेकर लगातार जो है आम आदमी पार्टी जो है केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं सानी कि इसमें जो आम आदमी पार्टी के जो अधिकार है वो अधिकार को कम किया जा रहा है और पूरा जो कार्यभार है वो दिया जा रहा है एलजी को, एलजी से परमिशन मिलने के बाद ही जो है ये काम किया जा पाएगा। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो इससे निराश है और लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। अगर कल की बात की जाए तो कल भी जो है गोपाल राय जो है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी सामने आए थे, तो उन्होंने भी इस बिल को जिस तरीके से, क्योंकि जो एनसीटी एक्ट जो बिल है उसको लेकर ये पूरा बवाल खड़ा हुआ है और लगातार जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन अगर आज की बात करी जाए तो जो आज का जो प्रदर्शन है दोपहर में, जब खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे लोगों से और उसके बारे में किस तरीके से इस बिल के बारे में बताएंगे, क्योंकि जो संशोधन बिल जो पास हुआ उसको लेकर ये पूरी तरीके से आज का जो आंदोलन है वो किया जाएगा और देखना होगा कि किस तरीके से इसके बाद बीजेपी क्या जवाब देगी, क्योंकि केंद्र सरकार को पूरी तरीके से घेरा जा रहा है और लगातार, क्योंकि इससे पहले भी अगर इसानी में बताऊं तो 2019 में जब चुनाव के नजदीक चुनाव थे, विधानसभा के जब चुनाव होने थे, तब भी इसी तरीके का जो रवैया है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिला था, क्योंकि एलजी हाउस के अंदर ही खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, साथ ही साथ जो तमाम जो नेता है वो सभी लोग वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने बकायदा पूरी तरीके से तो वहां पर एलजी हाउस में ही अपना दफ्तर बनाया था, क्योंकि लगातार जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि कोई भी अगर फाइल होगी, कुछ भी अगर कोई दिल्ली में कोई विकास कार्य कराना होगा तो एलजी से इसकी परमिशन लेनी होगी और उसके बाद ही इस कार्य को कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं एलजी का जो इसमें हस्तक्षेप है उससे निराश होते हुए आम आदमी पार्टी नजर आ रही है और इसी को देखते हुए आज का जो ये प्रदर्शन है ये दोपहर में होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद राकेश तमाम जानकारी के लिए।